आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, इसको बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना, ध्यान से सुनना जो भी मैं इसमें बताऊंगा। ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है और इसमें आपके लिए सॉल्यूशन भी है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए ऐसी और भी वीडियो आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो में, जिसमें मैंने एक लड़की की स्टोरी बताई थी, और इस कमेंट में इन्होंने जो भी बताया है आप भी इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना कि इसमें क्या ये बता रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, सर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरी 16 साल की बेटी है, वो स्लेट पेंसिल बहुत खाती है, वो अब इसकी आदी हो गई है। एक दिन मैंने उसके रूम की सफाई कर रही थी, उसके रूम में मुझे 3 खाली पैकेट स्लेट के मिले, तब मुझे डाउट हुआ मेरी बेटी स्लेट पेंसिल खाती है। मैंने उसके रूम की चेकिंग की तो मुझे एक हाफ पैकेट स्लेट का मिला जो आधा खाया हुआ था। जब बेटी स्कूल से आई तो मैंने उसको अपने पास बैठाया और पूछा कि वो स्लेट पेंसिल खाती है। बहुत बार पूछने से उसने बोल ही दिया वो स्लेट पेंसिल खा रही है 4 महीने से डेली 2 पैकेट। उसने बताया वो अब इसकी आदी हो गई है, उसको ये खाने की आदत लग चुकी है, वो उसके बिन नहीं रह सकती। अगर वो ऐसे ही स्लेट खाती रही तो उसकी हेल्थ खराब ना हो जाए। सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है और उसकी अब उसकी आदत कैसे छूटेगी। सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, तभी मैंने स्लेट पेंसिल कैसे छोड़े यूट्यूब पर सर्च किया और आपकी वीडियो आई। आपकी बहुत हेल्पफुल वीडियो है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, मैं अपनी बेटी की स्लेट पेंसिल कैसे छुड़ाऊँ, प्लीज़ सर रिप्लाई करो मेरे कमेंट का और मेरी हेल्प करो। तो ये था इनका कमेंट, और इस कमेंट में इन्होंने बताया है कि कैसे इनकी बेटी 4 महीने से स्लेट पेंसिल खा रही है और उसको इसकी आदत लग चुकी है और ये बहुत परेशान है, कहीं ये सब खाने से इनकी बेटी की हालत खराब ना हो जाए, उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हेल्थ इश्यू ना हो जाए, ये सब सोच के ये टेंशन में आ गई है। तो मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी बेटी की स्लेट पेंसिल खाने की आदत आसानी से छुड़ा सकते हो। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप अपनी बेटी की जो स्लेट पेंसिल खाने की आदत लगी हुई है आपकी बेटी को, उसको आप आसानी से छुड़ा सकते हो। तो सबसे पहले इसका मेन रीज़न यही होता है कि या तो हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, या कैल्शियम की कमी होती है, या कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है, तभी ही हमारा ये स्लेट पेंसिल स्लेट पोटोनाकमेट खाने का मन करता है। इसीलिए आप सबसे पहले अपनी बेटी के आयरन या कैल्शियम की कमी को पूरा करो। आप अपनी बेटी को प्रॉपर दूध पिलाओ, एक एक गिलास डेली सोने से पहले या सुबह दूध पिलाओ, और अपनी बेटी को आप प्रॉपर हरी सब्जियां खिलाओ, अपनी बेटी को जूसेस पिलाओ, जो भी ये अनार का जूस होता है या बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हमें आयरन मिलता है या हमारी खून की कमी पूरी होती है, आप वो जूसेस अपनी बेटी को पिलाते रहो, रेगुलरली पिलाते रहो। और अपनी बेटी का ध्यान रखो, जब भी उसका स्लेट पेंसिल खाने का मन करे तो आप क्या करना, आप बाजार से मक्की लाना जिससे पॉपकॉर्न बनता है, तो आप घर में उसको पॉपकॉर्न बना के देना। मतलब जब भी उसका मन स्लेट पेंसिल खाने का करेगा तो उसको ये पॉपकॉर्न खाने के लिए बोल देना। इससे होगा ये है कि जो स्लेट पेंसिल खाने का उसका मन है, जो भी उसका मन है, वो स्लेट पेंसिल से हटकर पॉपकॉर्न में आ जाएगा और वो पॉपकॉर्न खाएगी, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे करके उसके धीरे धीरे करके ये खाने की आदत भी छूट जाएगी और उसका जो स्लेट पेंसिल खाने का मन है वो भी बिल्कुल कम होने लग जाएगा। और आप अपनी बेटी के साथ रहना, क्योंकि जब भी उसका स्लेट पेंसिल खाने का मन करे तो आप उसको कोई फल फ्रूट खिला देना या कुछ ऐसी चीज़ खिलाना जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जैसे कि कुछ को पसंद पेस्ट्री होती है या कुछ और पसंद होता है, तो आप वो उसको लिए लाना और उसको खिला देना, जिससे उसका मन भी अच्छा हो जाएगा और जो स्लेट पेंसिल खाने का उसका मन है वो भी उसका हट जाएगा। मतलब वो स्लेट पेंसिल के बारे में नहीं सोचेगी, और अगर वो स्लेट पेंसिल के बारे में नहीं सोचेगी तो वो खाएगी भी नहीं। इस तरह से आप अपनी बेटी की स्लेट पेंसिल खाने की आदत को छुड़ा सकते हो। और अगर आपकी बेटी स्लेट पेंसिल वाली वीडियोस देखती है तो सबसे पहले आप उसको ये समझाना कि ये स्लेट पेंसिल की वीडियोस ना देखे। अगर वो स्लेट पेंसिल से खाने लग चुकी है तो मतलब उसको ये सब छोड़ने में बहुत ही मुश्किल होगी, उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब भी वो यूट्यूब खोलेगी तो उसके सामने वो वीडियोस आएगी जिससे उसके मन में क्रेविंग होगी, और जब उसके मन में क्रेविंग होगी तो वो
स्लेट पेंसिल खाने लग जाएगी। इसीलिए जितना हो सके अपनी बेटी को ये स्लेट पेंसिल वाली वीडियो से दूर रखना, अपनी बेटी को समझाना और अच्छे से उसको समझाना कि ये स्लेट पेंसिल क्ले पॉट और नाकमट खाने से क्या होता है, जिससे वो समझ जाए और ये सब ना खाए। ऐसा करके आप अपनी बेटी की ये स्लेट पेंसिल खाने की आदत को छुड़ा सकते हो। अगर आपकी बेटी स्लेट पेंसिल की वीडियोस नहीं देखती है तो आसानी से उसकी आदत बहुत ही जल्दी छूट जाएगी। अगर वो स्लेट पेंसिल की वीडियोस देखती है और उसके बाद ही वो खाने लगी है तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका जो मन है उसको और जगह लगाना पड़ेगा। जब भी उसका स्लेट पेंसिल क्ले पॉट और नाकमट खाने का मन करेगा तो उसको वो मन कहीं और लगाना पड़ेगा और वीडियोस देखना तो बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी, तभी वो स्लेट पेंसिल की आदत को छुड़ा सकती है और जो ये स्लेट पेंसिल की उसको क्रेविंग हो रही है वो सब कुछ तभी ये खत्म हो सकती है। आप अपनी बेटी को प्रॉपर डाइट देना जिसमें आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो, न्यूट्रिशन भी हो, प्रोटीन भी हो, वो सब कुछ वैसी डाइट आप अपनी बेटी को खिलाना जिससे आपकी बेटी के शरीर में जो भी कमी हो रही होगी वो पूरी हो जाए और उसका ऑटोमेटिकली फिर स्लेट पेंसिल क्ले पॉट और नाकमट खाने का मन नहीं करेगा। और आपकी बेटी ने जो भी स्लेट पेंसिल खाई है, अगर आप चाहते हो कि उसका असर कम हो, उसके इफ़ेक्ट्स कम हो या आपकी बेटी की जो बॉडी है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए, तो आप अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलना। आप हर घंटे एक एक गिलास अपनी बेटी को देते रहना पानी का और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जूसेस पिलाना और उसकी जो डाइट है उसमें सुधार करना, उससे आपकी बेटी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी और ये सब खाने भी नहीं लगेगी। तो ये सब आप अपनी बेटी के लिए ज़रूर कर सकते हो अगर आप उसको हेल्दी देखना चाहते हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता लगा होगा, आपको बहुत हेल्पफुल ये वीडियो लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और नीचे इस चैनल को जरूर से नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दो। आपके लिए इस चैनल पर ऐसी और भी काम की वीडियोस, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस और बहुत ही अच्छी स्टोरीज आती रहती है, तो इस चैनल को अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकंड चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो और वहाँ पर भी वीडियोज़ देख सकते हो, वो भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ है। और उस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख देना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। और नीचे आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि जो भी मैंने इस वीडियो में बताया क्या वो सही है या गलत है और क्या वो हेल्पफुल है या नहीं, आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोस आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नया जान सकते हो।